जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। डॉक्टर, आप नहीं जानती कि आपने मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। गुड लक मिस्टर अमन। थैंक यू सो मच। यस श्योर। एक्सक्यूज मी। यस श्योर। हाँ माँ, 50 फोन कर। माँ, म्यूजिक वाले को बोल दिया है मैंने, वो आ जाए। हाँ ठीक है, थिएटर से मिलते हुए आऊंगा। माँ फोन रखोगे तो मैं काम करूं। केटरर, क्या नाम था उसका? नेक्स्ट डोर मेरे कलीग हैं, उनके पास भी एक पेशेंट है जो काफी वॉयलेंट हो रहे हैं। मिस्टर अमन, कुछ पेशेंट्स अपने ही दिमाग में इतना ज्यादा ट्रैप्ड हो जाते हैं कि अपने गुस्से, अपने दर्द को बहुत वायलेंटली एक्सप्रेस करते हैं। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि बहुत गुस्से वाला पेशेंट है, डिस्टर्ब्ड है। कहीं ये सुबह की बात तो नहीं कर? रमन, तुम यहाँ कैसे? आदि की रिपोर्ट लेने आया था। What are you doing here? वो एक्चुअली मेरा एक कॉलीग है जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके साथ चला है। Oh, the volatile violent guy. अच्छा, तो मैं एक्चुअली इसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो एक डॉक्टर होने के नाते मुझे लगा मुझे यहाँ आना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। वैसे अभी रेस्ट कर रहा है, इसलिए मैं बाहर आ गया। Well, I have no time to rest. तुम्हारे रोके की तैयारी करनी। All the best, I'll see you, sir. Thank you. पिंड सुनीदा हो, पिन्ना विचो पिंड सुनीदा, पिंड सुनीदा नाबा, नाबे दी दो कुड़िया सुनीदिया, अरे नाबे दी दो कुड़िया सुनीदिया, एक पतली एक पारी, हो पतली दाते व्याह हो गया, पारी रह गई कुआरी। आपे ले जांगे जिन्हें लगेगी प्यारी, आपे ले जांगे जिन्हें लगेगी प्यारी, आपे ले जांगे जिन्हें लगेगी प्यारी, आपे ले जांगे। मीर, ये सब क्या है? अम्मा, ये टप्पा है। अप्पा? अप्पा नहीं, टप्पा। फोक सॉन्ग। अच्छा, हमारे पंजाब के पिंड में ना। पिंड? पिंड? ना पिंड। पिंड अम्मा, पिंड विलेज। विलेज फोक सॉन्ग। यस, विलेज फोक सॉन्ग। वेरी गुड अम्मा। ये तो बहुत फन है। संतोषी, ये सुबह की फैमिली को ये परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। इले यार, चंगा है ना? एक चंगी गल होर भी है, वो ना तू भी हमारे रंग में रंगती जा रही है। बहुत चंगी गल है, अब बस एक कमी रह गई है यार, मेरे नाल एक लोडेड ले ले। ले ले, माफ करना, सॉरी। वैसे आइडिया अच्छा है, कुछ अलग करते ना, जरा हटके। ऐसा करते हैं, भरतनाट्यम कर लेते हैं, तुम तो कर लोगी। बाला जीजू, एक आइडिया आया, क्यों ना हम एक थीम पार्टी करें, रेट्रो थीम पार्टी। ओ, ये हुए ना मेरे हस्बैंड, गुड आइडिया। सारा जमाना, ओ मजा आ जाएगा। इसका मतलब है कि पुराने कपड़े निकालने पड़ेंगे सारे शादी के जमाने के, मेनू फिट भी नहीं आने वो। ओहो मम्मी जी, तुसी टेंशन ना लो, एक बार हम सबके लिए मतलब गाने चूज कर लेना, उसके बाद कपड़े सारे अपने आप फिट ही आ जाएंगे और फिर जबरदस्त डांस करेंगे। कुछ नहीं, बस वो एंगेजमेंट पार्टी के लिए रेट्रो थीम प्लान कर रहे हैं।
क्या कर रही है मदरसा? ठीक है बेटा, तुझे भी अगर एक टांग पे नहीं नचाया तो देख ले। अब वैसे जिसकी एक टांग खराब हो उसके लिए कोई गाना है रेट्रो में ऐसा मतलब है? और मेरी मदरसा किस पे नाचेंगे? बच्चन की गाने अरे बंदे की पर्सनैलिटी देख के एक्टर चुनो यार। हाँ जी पापा जी, चले गए यार। चले गए मतलब मेरा रूम फ्री? हाँ, यानी कि अब मेरा कमरा बुक्ड, मैं और मेरी मद्रास। मद्रास में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहा था ना फंस गए रजिया गुंडों में। ये पति ओ रेट्रो नाइट आज होनी है। टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी सोच। तो मद्रास राज और सिमर तुम्हें, अब कमरा सिर्फ मेरा और तुम्हारा। राज और सिमरन गए अकेले में टाइम बिताने, घर छोड़ के थोड़ी। न्यूली वेड है ना, उनका हक बनता है अकेले में टाइम बिताने का। आपको क्या लगा था? समोसा आई कोई बात नहीं बेटा, कोई राज भी कमाल का बंदा है। यहां बड़े भाई ने ओपनिंग की नहीं, टेल एंडर जरा सेंचुरी मार। मैम प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए ना, दो मिनट के लिए प्लीज, मुझे ना सर से बहुत जरूरी काम है। मैडम काम तो सभी को हुए हैं पर साहब बहुत गुस्से में है, अगर आप उधर चली गई तो वो हमें धो देंगे। लेकिन मैम मैं मेरी बात नहीं समझ रही, मुझे सर ने खुद बोला है कि अगर केस को लेके मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं उन्हें फर्स्ट हैंड आके बताऊं। मैंने उन्हें फोन भी बहुत किया लेकिन वो फोन ही नहीं उठाते। मैडम दो मिनट मैम प्लीज, देखिए अगर आप मुझे अंदर जाने नहीं देंगी ना तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर सारी जिम्मेदारी आपकी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जाने दीजिए मैडम, बड़े साहब को इन्होंने अंदर कराया था, कहीं तेरा मेरे को अंदर ना करा दें तो। अच्छा आप चले जाइए लेकिन संभाल के ध्यान से जाइएगा। थैंक यू सो मच मैडम, सो स्वीट ऑफ यू। मेरे कमरे में हनीमून मनाएगा? वाह बेटा, यहां मेरे यहां अकाल पड़ा है, तू फसल उगाएगा। स्पेशल शायद की बदबू से ना तुझे रूम छोड़ना ही पड़ेगा। जहां जहां बैठेगा ना ले। सॉरी यार राज, सिमरन इस बार ये दिल वाला दुल्हन ले जाएगा, बचा कुछ कारपेट भी डाल देता। बड़ा बारटेंडर बना फिर है, सारी दुनिया को पिला रहा है, नजर नहीं आता माँ की फेवरेट वाली खत्म हो गई है, जानवी लेके आ। ओहो भाई बड़ी ब्रांड वाली। ओ मम्मी जी कोक में तो पीना है, कोई भी पी लो, इतना सारा तो पड़ा है यहाँ पे, ले लो ये भी। क्या हो गया माँ, प्रॉब्लम क्या है? मेरी फेवरेट वाली खत्म होगी लेके नहीं आ रहा। माँ से इम्पोर्टेड भी थी है, समझा? चले आ। क्या मतलब? मैं इससे गुड़गांव जाऊँ? जा जाना जा। हद हो गई, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। ओए रमन को अगर चांद पे भी जाना पड़े ना तो वो चला जाए माँ की खातिर, और तू गुड़गांव जाने के लिए मर रहा है। अच्छा ठीक है देख ले, मैं वसीयत में एक पैसा भी तेरे नाम नहीं लिखूंगा। एक्चुअली ना माँ ये आपका कसूर है, कान खींच लो इसके, कान खींच लो इसके, कान निकाल के रख दो तेरे। आज बड़े आइंस्टाइन, भेज दो चांद पे। चलो नाच के मद्रास जो कांड में करके आया हूं उसके बाद तू नाचेगी नहीं, सिर्फ जचेगी वही मेरे साथ। अखिल
अभी भी मुंह खोल दे, मौका है तेरे पास, वरना तू जानता नहीं है मैं मुर्दों से भी सच निकलवा लेता हूँ, समझा? क्या फिल्मी डायलॉग मार रहा है एसीपी? कितनी देर लगेगी? मैं भी नहीं जाऊंगी जब तक मिल नहीं लेती। शर्मा, कहानी नहीं सुनाई इसे? 100 सुनार की एक लोहार की, मेरा हथौड़ा लेके आना जरा। साला बड़ा ढीठ आदमी है, ऐसा करो सेकंड डिग्री टॉर्चर की तैयारी करो। यस सर। आप? आपको अंदर किसने आने दिया? मेरे हवलदार भी ना एक नंबर के गधे हैं, ये कोई जगह है लड़की को लाने की? नहीं सर, वो आपने मुझे शकुन। मैडम, पूरा थाना आपकी प्रॉब्लम से नहीं चलता, आप बाद में आइए, मुझे ये इससे सच सुलवाना है। ये देखो, इतना बड़ा क्रिमिनल बनता है लेकिन लास्ट कॉल्स इसकी बीवियों को हैं, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2, इसीलिए बाहर नहीं आना चाहता। बीवियां तेरा इंतजार जो कर रही हैं। आप यहां क्या कर रही हैं? चलिए गो, कम ऑन, मूव ऑन। देख भाई, बर्फ की सिल्ली तो मैंने मंगा ली, तेरे पास अभी भी वक्त है, सच उगल दे, नहीं तो और डिग्री करूंगा तेरे साथ। सुनो, जवाब दे दो। Please, एक मिनट, जवाब दे दो, वरना मैं तुम्हारी दोनों बीवियों को बता दूंगी कि उन दोनों के अलावा तुम्हारी और बीवी है। सोच लो, तुम्हारी दोनों बीवियों का इंट्रो करा दूं, मजा आएगा, है ना? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, पहली वाली तो खाल उधर देगी, दूसरी वाली पता नहीं क्या करेगी। प्लीज जो मुझे माफ करो, जो पूछना पूछ लो। बीवी का इतना खौफ? औरतों को ना सच उगलवाना आता है सर। आपका काम तो हो गया, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, शगुन के केस के बारे में जिसमें आपने एक औरत की मदद ली थी, राइट? सर जी, मैडम कहाँ से मोबाइल ले लो, वो डेंजर जोन में। तू पहले अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा। मोबाइल तो मैं ले ही लूंगा और नसीहत भी। आइए मैडम, आपको यहाँ जॉब दिलवा देते हैं। पहले आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। क्रूश की दवाई किसने डाली है अभी? भुरुकन, बेचारे राज और सिमरन, वो लोग यहाँ पे रहेंगे कैसे? नीलू, नीलू सुन, सुन, मुंह बांध, इतना टेंशन मत ले, पूरे के पूरे कमरे की सफाई करनी है अभी, ठीक है? जल्दी जाओ, पोछे लेकर आ, सोच मत। कपड़ा हटा, बता कहीं स्मेल की नहीं गई? हाँ थोड़ी सी है अभी। है तो क्या करें, एक काम कर, बहुत सारे बुकेज आए हुए हैं ना नीचे, तो एक गुलदान लेकर आ और बुकेज लेकर आ। अरोमा कैंडल्स, रहा सहा काम इससे हो जाएगा। Thank you.
अच्छी खुशबू है ना। हाँ भाभी, कह सकता है कि यहाँ पे किसी ने इतना स्प्रे मारा था। हाँ भाभी, अब तो सारा कमरा महक रहा है खुशबू ही खुशबू है ना, बहुत सारे काम पड़े। हाँ तू जा जा, आज तो राज और सिमरन बड़े खुश जाने वाले क्या बात है भाभी, एक कमरा तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, तुमने अपने भैया से कहा था ना तुम्हें स्पेशल स्पेस चाहिए, वही स्पेस है ये भाभी। मतलब स्पेशली तो बहुत ही स्पेशल हो गया, मतलब वाह जी वाह। अरे खाना खाया तुम लोगों ने? हाँ बुआ जी ने आज इतना सारा खाना एक ही दिन में खिला दिया, पेट फटने को हो रहा है। प्यार है उनका। भाभी इतनी ओवर ईटिंग हो गई है, वॉक पे जाना पड़ेगा, मतलब पेट फट रहा है भाभी। भाभी कल के कपड़ों के लिए ना थोड़ा सा कंफ्यूजन था, एक्चुअली वो दिल्ली वाला स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, तो दिखाओ ना। अब बैठो, मैं भी फ्रेश फ्रेश ही हो लेता हूँ। हेलो मम्मी, टाटा ब्रांड। बड़ी देर कर दी पुत्र, वहाँ गुड़गांव गया था लेने, रूमी सही कह रहा था यार। चल तू और खाना खा ले, सारो ने खा लिया। अब सारो ने मतलब अपने राज और सिमरन ने भी खा लिया? हाँ उनको भी मैंने खिला दिया। जितने जल्दी खिलाया वैसे ये नीलू, ये राज और सिमरन है कहाँ? भैया वो तो कब से आपके कमरे में गए। काफी देर से। हाँ काफी देर हो गई, तो मुझे भी जाना चाहिए। कल सुन कल सुन, कल खाना खा ले। हाँ मेरा नाइट सूट वहाँ है ना, तो तू ये ले आएगी ना नीलू? हाँ अपना काम खुद करना चाहिए, और मेहमान भगवान होता है, भगवान सो जाएंगे उठा थोड़ी सकते। आप दो और लगा लो। मुंडा भी ना खोता ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। कमरा भाई यार तू बड़ा टचन के भाई, मतलब हमारे लिए इतना रूम सजाया तूने भाई, मजा आ गया भाई, फील आ गया रूम से का रोमांटिक फील। अब लोग बाग अपने भाई को ही थैंक यू बोलते रहेंगे, अब भाभी से भी कुछ कहेंगे। पता जब मैं कमरे में आई ना, यहाँ इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, पूरे फ्लोर पे वो पेस्टिसाइड गिरा हुआ था, पता नहीं किसने डाला, लेकिन कोई सो नहीं सकता था इस कमरे में आके। फिर मैंने पूरा फ्लोर साफ करवाया, जगह जगह पे फूल लगवाए, वो अरोमा वाले कैंडल्स वो लगवाए, तब तो जाके यहाँ से सारी वो बदबू भागी है। अब जाके तुम लोग सो पाओगे चैन से यहाँ। जिसको सोना उसके तो खड़े के बांधे। अभी तुझे तो मान हो ग्रेट, मतलब सुखी। अरे तूने मानता के कैसे सुने गए, दो चार सदी पहले पैदा होती ना, हमारे नोट पे इसके फोटो होते। खैर कोई नहीं, आटा किसी ने गूंदा, रोटी कोई और खाएगा। ओके भाई गुंगन सिमरन, आज तो बल्ले बल्ले हो गई। क्या राज? अब नहीं, इट्स ओके, मैं जाती हूँ यहाँ से। कपड़े बाद में डिसाइड करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। बाय। तुम दोनों खाना खा के सो जाओ, मैं जरा अपने कमरे में ना पम्मी के साथ और डॉली के साथ वो गिफ्ट शिफ्ट पैक करा रही हूँ, ठीक है? तू भी थोड़ी देर के लिए जरा कमरे में आ जाना और नाम शाम लिख देना गिफ्ट पे, है? आती हूँ। बाय द वे, मैंने जो कमरा साफ किया ना उसके लिए थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपका कजिन मतलब मेरा कजिन, दिल से किया सब कुछ। अच्छा तुम्हारे पाँव में हो या दिमाग में? क्या हुआ मतलब? अरे उनको ला के हमारे कमरे में पटकने की क्या जरूरत थी बेवकूफ? अचानक से क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे ऐसे? अभी क्या करूं, आरती उतारूं? अकल ना घुटनों में तुम्हारी। अरे प्रॉब्लम क्या है बताओगे? प्रॉब्लम क्या मतलब? इतनी प्लानिंग करके इतनी शिद्दत से मैंने वहां बदबू फैलाई, पूरा कमरा बिखेर दिया ताकि वो लोग भाग जाएं। अरे क्या पड़ी है तुमको कमरा साफ करने की? वो सेंटेड कैंडल्स मैं तुम्हारे लिए लाया था, वो लिलीज तुम्हारे लिए थे। ले ले लिली, ले ले लिली, ले ले। बब्बू आपने फैलाई थी वहाँ पे? हम कैसी हरकतें करते हो आप? मेहमानों वाला घर है, शादी वाला घर है, हम क्या करें उनके साथ? ऐसे बिहेव करेंगे क्या? आप क्या बच्चों से स्ट्रेटजीज बनाने में बैठ गए? हाँ बस जो बच्चे हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, और तो आने से रहे। उन्हीं के कमर में सोऊंगा मैं, और चैन से सोऊंगा। ना तुम्हारी खिटपिट चाहिए, ना तुम्हारी बकवास। जब मुझे भी बात नहीं करनी है इस बार, ये मनाते रहे मैं तो मनाऊंगी भी नहीं। खाना भी नहीं खाना मुझे।
कर पाती कुछ चल आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।